यूक्रेन में रूसी अटैक पर बाइडेन के तेवर बदले। अमेरिकी चुनाव के नतीजों के बाद बाइडेन के तेवर चेंज्ड। यूक्रेन को भारी मदद देने के लिए बाइडेन के हाथ अब बंधे। चाहकर भी यूक्रेन की मदद बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे बाइडेन। आखिरकार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेनेट में आप जानते हैं कि उतना ज्यादा मेजोरिटी के साथ नहीं, लेकिन आखिरकार रिपब्लिकन्स आ गए। रिपब्लिकन्स के वहां आ जाने से इस पूरे सिनेरियो में क्या फर्क पड़ेगा, अब जरा इस पर्सपेक्टिव को समझिए। रूस पर क्यों नर्म हुए हैं बाइडेन? रूस पर इसलिए नर्म हुए क्योंकि मिड टर्म पोल के जैसे जैसे मिड टर्म पोल करीब आ रहा था, तमाम बातें कही जा रही थी। आप जानते हैं कि देखिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये क्यूबन क्राइसिस के बाद, कैनेडी के बाद सबसे खतरनाक दौर है। ये आर्मागेडन के आ जाने की नौबत है। लेकिन अब देखिए जरा इसमें, देखिए बदलते हुए तेवर, देखिए बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो अगर बहुमत में होती तो आगे भी चीजें बहुत ज्यादा यूक्रेन के फेवर में हो सकती थी। लेकिन अब वहां रिपब्लिकन्स का थिन मेजोरिटी के साथ ही अड़ंगा लगा देने का एक प्रोविजन बन गया। अब देखिए यहां क्या हो गया है, ट्रंप की रिपब्लिकन्स को मदद मिल गई। अब तब वाली सिचुएशन नहीं है पहले वाली, अब यहां पर यह हो गया है। अब यह हो जाने से मिड टर्म के करीब आते आते जो माहौल बनाया गया था, अब क्या खुद बाइडेन को यह लगने लगा है कि अब उनको कुछ चीजों में चेंज करना चाहिए, अब उनको उतना हार्ड हिट नहीं करना चाहिए, क्या रशिया पर यह स्थापित होने लगा है क्या? इसीलिए यह दावा करने वाले, एक तरीके से मौका मिल रहा था, बेशक यूक्रेन ने किया था लेकिन नेटो को मौका मिल रहा था, अमेरिका को मौका मिल रहा था, लेकिन जो सदाशयता दिखाई दे रही है, जो समझदारी दिखाई दे रही है कि युद्ध को और आगे ना भड़कने दिया जाए, नेटो वर्सेस रूस ना होने दिया जाए, क्या वो बदली हुई इन स्थितियों की वजह से है? ये बहुत बड़ी बात है। अब अमेरिका यूक्रेन को क्या उतनी मदद नहीं कर पाएगा? बेशक ये आगे बढ़े, एक तो अब बाइडेन हो सकता है अपना माइंड चेंज कर रहे हो, और अब क्योंकि ये भी एक प्रैक्टिकलिटी है, ये भी एक व्यवहारिकता है कि वहां रिपब्लिकन सब ज्यादा हैं, क्या इसकी वजह से बाइडेन को आगे मुश्किल होगी? ब्लैंक चेक जैसी बात से वो खुद इनकार कर चुके हैं। अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं संजय भारद्वाज जी, क्या चीजें कितनी शिफ्ट होंगी यहाँ? देखिए दो तीन बात साफ है। पहली बात कि चुनाव निश्चित रूप से थे, मिड टर्म इलेक्शन थे, तो उसको जीतने के लिए उन्होंने इस तरीके के अपना रुख अख्तियार किया और एक फियर फैक्टर क्रिएट किया कि रशिया एक बहुत बड़ा फियर है। अब चुनाव जीत गए, अब उनको याद आ रहा है कि हमारी इकोनॉमी मजबूत करना है, चाइना के साथ कह रहे हैं हमारा कंपटीशन भी चलेगा और हमारा कॉपरेशन भी चलेगा। यही हाल शी जिनपिंग ने बहुत ज़ोर शोर से ताइवान के इशू पे, क्योंकि उनको भी तीसरा ट्रम्प बनाना था। तो ये जो राजनीतिक हथकंडे हैं जो शासनाध्यक्ष लेते हैं वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात समझने की बात है कि जेलेंस्की जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, मैं कहता हूँ उन्होंने कहा मेरा घर तो जल रहा है लेकिन दुनिया का घर भी जलेगा। राइट, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। लेकिन क्या अब ये दुनिया रियलाइज कर रही है सर? अमेरिका रियलाइज होने देगा क्या? या उतना ही इस चीज को फास्ट होने देगा जितना अमेरिका को सूटेबल? एक बात दिनेश जी और बात कह रहा हूँ कि जो अमेरिका का मकसद था कि भाई लिबरल डेमोक्रेसीज को एक तरफ खड़ा कर देना, उनको लामबंद कर देना, वो पूरा हो चुका है। तो अगर मकसद पूरा हो गया है तो जंग रुकनी चाहिए ना सर? ये जंग रुकेगी क्या? मैं आपके पास वापस लौटता हूं, क्या अमेरिका का मकसद पूरा हो गया? ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्या अमेरिका का मकसद पूरा हो गया है? खुद बाइडेन, खुद ज़ेलेंस्की इस बात को भांप रहे हैं कि अमेरिकन मकसद तो पूरा हो गया, ज़ेलेंस्की का मकसद पूरा नहीं हो गया, इसीलिए क्या वो अब मोहरा बनने से इनकार कर रहे हैं? और जो अमेरिकन स्टैंड है, जो नेटो का स्टैंड है, जो पोलैंड तक ने स्टैंड लिया हुआ है उसके खिलाफ खड़े होकर दिखा रहे हैं, सबूत दो यूक्रेन की मिसाइल थी, सबूत दो। ये अहम खबर देखिए, पोलैंड में यूक्रेनी साजिश पर दूसरे पड़ोसी मुल्क डरे। यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों पर एक्सपर्ट्स का बड़ा दावा, दूसरे पड़ोसी मुल्क भी साजिश के शिकार हो सकते हैं। लिथुआनिया में भी फॉल्स फ्लैग की साजिश हो सकती है, रोमानिया और लातविया पर भी फॉल्स फ्लैग का खतरा। अब देखिए जितनी कंट्रीज की सरहद करीब है, जो रूस और यूक्रेन के करीब वाले देश हैं, वो सब इस बात से डरे हुए हैं कि क्या इसको नेटो वर्सेस रशिया बनाने के लिए कुछ भी हो सकता है। हो सकता है रशिया किसी दिन उसका एग्रेशन इतना बढ़ जाए कि वो इनमें से किसी कंट्री पर हमला करके बोले कि सीधे आओ, यूक्रेन के जरिए मत आओ, आओ सीधे लड़ें, अब देखें आर्या पार करते हैं। या फिर इसको नेटो वर्सेस रशिया बनाने के लिए जो अभी पोलैंड में किया गया वो इनमें से किसी भी देश में किया जा सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये खतरा बना हुआ है? यहां पर देखिए जरा इस हिस्से पर क्लोज कीजिए, केवल इतने हिस्से पर, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे यह है यूक्रेन, ये यूक्रेन है और ये रशिया है, ये है बेलारूस और ये है ये बाल्टिक कंट्रीज जो आप देख रहे हैं, इनको लगातार इस बात का खतरा है। और ये खतरा आप जानते हैं
बढ़ रहा है, इसीलिए लिथुआनिया ने हाल ही में हाइमार्स के ऑर्डर्स दे दिए हैं, वो जो यूक्रेन को दिए गए हैं 20 हाइमार्स लड़ने के लिए। हो सकता है यहां लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया सबको इस बात का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा हो। यहां पोलैंड पर यह हमला अब रूस ने किया, यूक्रेन ने किया, चीजें और जांच स्थापित कर रही है कि यूक्रेन ने किया। यूक्रेन मानने के लिए, ज़ेलेंस्की मानने के लिए तैयार नहीं है, पोलैंड पर हुआ ही। यहां किन किन जगहों पर यह खतरा बढ़ सकता है, फॉल्स फ्लैग इस युद्ध को और भड़काने के लिए ज़ेलेंस्की कहां कहां ऐसा कर सकते हैं, या अब क्योंकि दुनिया के सामने ये बात स्थापित हो गई कि ज़ेलेंस्की झूठ बोल रहे हैं रशिया के साथ, अब ये सेंटिमेंट हमेशा रहेगा, क्या रशिया भी इसका फायदा उठा सकता है? ये भी एक महत्वपूर्ण एंगल है, क्या रशिया भी इस स्थिति का फायदा उठा सकता है? और हवाला दिया जाएगा पोलैंड वाली बात का कि देखिए उन्होंने जो पोलैंड में किया था वही उन्होंने लिथुआनिया में किया है या वही लातविया में किया है, यह भी समझने की कोशिश करते हैं। जनरल दयाल, देखिए कुछ हिस्ट्री भी पार्ट प्ले करती है। हिस्टोरिकली कोल्ड वॉर में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ईस्ट यूरोप काफी सफर किया है, तो नीजक रिएक्शन लीडरशिप कर सकती है, लेकिन यह भी लीडरशिप को मालूम है कि नाटो और रशिया के बीच में बहुत कितने ही डिफरेंसेस हो, लेकिन और अमेरिका और रशिया के बीच में भी, लेकिन दुनिया की तबाही न्यूक्लियर वॉर, ओपन वॉर से पहले बहुत कंसल्टेशंस होंगी, बहुत एक दूसरे को चेतावनी दी जाएंगी, वो बैरियर अभी क्रॉस नहीं हुआ है। तो ये सब पॉपुलेशन, लेकिन जिसकी बात आप लोग करते हैं सर, बैरियर तो क्रॉस नहीं हुआ है सर, ये दिसंबर सर, लेकिन वो जो आप लोग खुद कहते हैं कि एक छोटी सी गलती से हुए थे वर्ल्ड वॉर वन और टू, वो गलती की गुंजाइश तो है ना सर? वो तो देखिए, वो एक नॉर्थ कोरिया में एक तानाशाह बैठा, वो कब फायर कर देता है, वो तो रहेगी। जब तक दुनिया में इस किस्म के वेपन्स रहेंगी, दुनिया की तबाही का तो रहेगा अंदेशा, इसमें कोई शक की बात, और तभी अपने आप को वेपनाइज कर रही छोटी छोटी कंट्रीज। लेकिन जो मुद्दे की बात ये है कि देखिए, एक बात स्पष्ट जरूर है कि जो आने वाला विंटर्स है, क्या वेस्ट इसमें इन्फ्लेशन को, न्यूक्लियर, क्या वेस्ट इसमें अपनी एनर्जी क्राइसिस को, क्या वेस्ट इसमें अपनी पॉपुलेशन को जो दिक्कतें आएंगी, क्या उसको झेल पाएगा, क्या उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा? और मैं समझता हूं कि इसी को मद्देनजर रखते हुए बाइडेन, क्या सर सामने एक बात मैं ये समझना चाहता हूं अनिल त्रिगुनायत सर, मैं अगर ये सवाल भूल भी जाऊं आगे तो आप इसका प्लीज जवाब दीजिएगा, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या अमेरिका का मकसद पूरा हो गया? ज़ेलेंस्की को इस बात का डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में मदद कम हो जाएगी और रशिया उनके ऊपर भारी पड़ जाएगा, ठंड वैसे भी सामने आ रही है, घर में भी रिवोल्ट का खतरा है, क्या इसीलिए बाइडेन यहां पर वो बयान दे रहे हैं जो इन द लाइन ऑफ अमेरिका एंड नेटो नहीं है?